अभियान पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ, आज उसी अभियान में आप सबको जोड़ने के लिए एक बार फिर से आपका आह्वान करने के लिए हम लोग देवरिया में आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों देवरिया आया था और जब मैं उस समय देवरिया आया था तो उससे पहले ही देवरिया के विकास से जुड़ी हुई अनेक योजनाओं को हम लोगों ने लागू किया। यद्यपि कोरोना कालखंड के दौरान जब हर व्यक्ति अपना बचाव करने में लगा हुआ था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उस समय हम लोगों के मंत्रीगण, विधानाधिकारीगण जनता की सेवा के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे थे। और मैं जब देवरिया आया था तब मैंने स्वयं साई जी से भी कहा था कि यहाँ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके लोगों को राहत कार्य समयबद्ध ढंग से आगे मिल सके, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और स्वयं की परवाह के बगैर हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, पदाधिकारीगण जनता जनार्दन की सेवा के साथ जुड़े रहे और बाढ़ से उन्हें राहत देने में अपना योगदान देते रहे। राजनीति हमारे लिए सेवा का एक माध्यम है और जनता की सेवा करना, और अगर सत्ता है तो सत्ता को लोक कल्याण के लिए समर्पित करने के साथ साथ हर एक नागरिक को सुरक्षा का माध्यम बनाना, इसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया है। हमारे लिए पूरा देश एक परिवार है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं उन लोगों तक पहुंचाना, इसे हम लोग अपना राजनीतिक दायित्व तो मानते हैं। लेकिन आपने कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, तमाम अन्य राजनीतिक दलों को देखा होगा, उनके लिए परिवार ही देश है, परिवार ही समाज है और परिवार के बाहर दृष्टि उनकी नहीं जा सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। महुआ में घुड़े के ढेर में चिंगारी से मकान में भीषण आग लगी।